अस्सलाम वालेकुम। तो दोबारा से हम शो का आगाज़ करते हैं और मैं भी थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ, पानी शानी पी लिया है, रोटी शोटी खा ली है, तो पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्योंकि खांसी की वजह से जो है वो कंटिन्यूटी से बात नहीं हो पाती, फिर भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में तकरीबन आपका 9 मिनट तो ले ली है। अच्छा, आप बात कर रही थी मैं टर्की में कि टर्की में ड्यूल नेशनैलिटी और टर्की का पासपोर्ट लेने के लिए बेसिकली देखिए ये कॉमन सी बात है कि हम किसी के मुल्क में अगर उसका पासपोर्ट लेंगे या उसकी नेशनैलिटी या शहरियत लेंगे तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उस मुल्क की मईशत को ये दिखाना होता है कि हम उसके मुल्क को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। ये एक इन जर्नल रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ टर्की ही के लिए की जा रही हो, मतलब ये एक उसूल है बाकू के भी कानून के मुताबिक। यही है कि अभी मैं आपको इसके बाद जो है वो सेकंडली बाकू, क्योंकि टर्की और बाकू ही के मुतालिक दौरान अलालत भी मुझे जितनी कॉल्स और जितनी भी मैसेजेस आए हैं वो जस्ट यही आए हैं कि वो जो है मुझे हमें बाकू में सेटल होना है या टर्की में सेटल होना है। तो पासपोर्ट के लिए तकरीबन 2.5 लाख डॉलर जो है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज़्यादातर लोग जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्लैट्स जो अपार्टमेंट होते हैं उसमें 85,000 USD का भी फ्लैट है, 1,05,000 USD का भी है, 1,40,000 का भी है, 2 लाख की बात बता रही हूँ कि ये सारे रेट्स में लीरा टर्किश लीरा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ आपको उसके डॉलर की बात कर रही हूँ। ये अपार्टमेंट्स के रेट हैं, जितना आपका बजट होगा मिनिमम आपने 2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो वहाँ पे आप या तो 2.5 लाख डॉलर का एक अपार्टमेंट ख़रीद लें, ठीक है, दायरा कहते हैं वहाँ अपार्टमेंट को, और अगर लॉन के साथ आपने कवर्ड एरिया के साथ लेना है तो वो कहलाएगा आपका बाची के साथ, अगर लिखा हो कि आपका दायरा बाची के साथ है तो दैट मीन्स आपका अपार्टमेंट जो है वो लॉन के साथ है, और अगर डुप्लेक्स है लिखा हुआ है तो डुप्लेक्स का मतलब ये होता है डबल बेडरूम, जैसे हमारे यहाँ 4 बेडरूम अपार्टमेंट होता है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट होता है, तो डुप्लेक्स का मतलब होगा डबल 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, और अगर टेरेस लिखा है तो इसका मतलब है कि आपके घर के आगे टेरेस है, आपको टेरेस वाला घर दिया जाएगा। आपको ये 4 कैटेगरी के वहाँ घर मिलेंगे। आपने 2.5 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, आप चाहे तो एक बड़ा मकान ले लें या चाहे 3 मुख्तलिफ मुकामात पर छोटे छोटे मकान ख़रीद लें, फ्लैट ख़रीद लें और उसको आप रेंट पर उठा लें, जो कि नॉर्मली आसानी के साथ कितने लीरा पे ये उठ जाएगा आपको 1,500 टर्किश लीरा पर मंथ के हिसाब से ये आपका जो है वो रेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक बड़ी अच्छी स्कीम चल रही है, मैं अगर आप कहेंगे, अगर आपकी को महसूस होगा कोई ज़रूरत, कहीं मेरी ज़रूरत होगी तो मेरे पास वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसेट बाइंग और सेलिंग का काम भी करवा के देते हैं, अकाउंट्स भी ओपन कराते हैं, अपना बिजनेस भी सेटलमेंट कराते हैं, इसके अलावा आपको वर्क परमिट की भी सारी वो देते हैं, सहूलत देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, रेड कार्ड भी बनवा कर देते हैं, ठीक है जनाब। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे ही बंदों से काम करें, हाँ हम उनका पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है जो भी मेरे, क्योंकि मैं ये टर्की में सेटलमेंट का काम, जो लोग मुझे बहुत पुराना जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं 2015 से ये काम कर रही हूँ लोगों को टर्की की शहरियत दिलवाने का और लोगों को टर्की में सेटलमेंट करवाने का। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगी कि अगर आपको ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर, तो मेरा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा हो उस पर टेक्स्ट मैसेज करके आप रब्ता कर सकते हैं, और
और वहाँ पे पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट का करना ज़रूरी है। और उसके अलावा यह है कि रेड कार्ड का मैंने पिछले स्क्रिप्ट में आपको बता दिया कि रेड कार्ड जो है वो बेसिकली वीज़े के रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। वर्क परमिट इनका ब्लू कार्ड होता है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि वहाँ अगर आपने विजिट वीज़ा ले लिया, टूरिस्ट वीज़े को लेके आप वहाँ जा रहे हैं, तो एक छोटा सा काम जाने से पहले ज़रूर कर लीजिए कि आप उनकी ज़बान सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर इस्तांबुल में होता है प्रॉब्लम। तो बजाय इसके कि हम किसी ख्वाब को देखते हुए जाएं, अगर हम अपनी खुली आंखों से काम करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं किसी भी मुल्क में शहरियत लेना या किसी के मुल्क में जाके वर्क परमिट हासिल करना, अंटिल और अनलेस के उस मुल्क ने हमारे मुल्क के लिए वर्क परमिट अलाउ ही ना किया हो, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको वर्क परमिट नहीं दिला सकती। अलबत्ता अगर आप उन अलाउ है तो आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, रेगुलर तरीके से काम करेंगे तो आपको ज़रूर वर्क परमिट भी मिलेगा, शहरियत भी मिलेगी, पासपोर्ट भी मिलेगा। तो इस छोटे से स्क्रिप्ट को उम्मीद है पसंद कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।